वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब लोग? आई होप गाइस आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। सो आज आप लोगों के साथ मैं शुगर का कॉन्ट्रोल डे फोर्स फेस पैलेट का रिव्यू शेयर करूंगी, जो कि इस तरह की पैकेजिंग में आता है। मैं अभी आपको इसको यूज़ करके भी दिखा दूंगी कि इसको कैसे यूज़ करना है। हम पहले बात कर लेते हैं इसकी पैकेजिंग के बारे में। सो ये कुछ इस तरह की कार्डबोर्ड की पैकेजिंग में आता है और ट्रेवल फ्रेंडली है। मैगनेट के साथ है इसका कवर जो है, जो कि बहुत ज़्यादा मुझे अच्छा लगा। और बात कर लेते हैं इसके प्राइस की। तो मैंने इसको ऑफलाइन परचेज़ किया था और मैंने इसको कमला नगर स्पार्क मॉल से परचेज़ किया था और इसका प्राइस है 799 रुपीज़। और मैंने उस टाइम ऑनलाइन भी चेक किया था तो इसका प्राइस 799 रुपीज़ ही रिसीव मिला था मुझे वहाँ पर, और अभी तक इसका प्राइस यही ही है। बट अभी एक बार आप चेक कर लेना और देख सकते हो इसकी लाइफ सेल्फ है 08/2020 और इसको यूज़ कर सकते हैं 07/2023 तक, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा है, प्लस पॉइंट है, क्योंकि मेकअप प्रोडक्ट इतना यूज़ नहीं होते हैं। और ये इसका वेट जो है 12 ग्राम है और ये 3 शेड में आता है और इसके अंदर आपको हाइलाइटर, कॉन्टोरिंग और ब्लश मिल जाता है। मैंने काफ़ी सारे ब्लश ट्राई करे हैं लेकिन मुझे ये बेस्ट मिला है। अब हम देख लेते हैं इसका रिव्यू। सो फ्रेंड्स, अब हम बात कर लेते हैं अपने प्रोडक्ट के बारे में कि इसको कैसे यूज़ करते हैं या फिर ये कितना टाइम तक स्टे करता है या फिर कैसी स्किन टोन पे जाएगा। सो अब हम इसको ओपन करते हैं। सो ये देखो कुछ इस तरह मैग्नेट के उसमें आता है, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा है, ट्रैवल फ्रेंडली। आप इसको ट्रैवल में कैरी कर सकते हो और आपको एक ही किट में तीनों चीज़ें मिल जाएंगी। यहाँ पर देखो आपको मिलर मिलता है, यहाँ आपको ब्लश मिल जाएगा और यहाँ आपको हाइलाइटर मिल जाएगा, यहाँ आपको कॉन्टोरिंग मिल जाएगा। और देख सकते हो कितना पिगमेंटेड है ये। सो मैं इसको बहुत टाइम से यूज़ कर रही हूँ, कम से कम मुझे 1 ईयर से भी ज़्यादा हो गया इसको यूज़ करते करते। मुझे ये पैलेट बहुत ज़्यादा अच्छा लगा है पर्सनली। वैसे मैं अलग से ब्लश लूँ, हाइलाइटर लूँ, कॉन्टोरिंग लूँ, इसके अंदर आपको तीनों चीज़ें मिल जाएगी। और जो मेरी स्किन टोन है वो है मीडियम। इसमें 3 शेड आते हैं, फेयर स्किन के लिए, मीडियम स्किन के लिए, डार्क स्किन के लिए। सो मेरी स्किन जो थी वो थी मीडियम, सो मैंने ये वाला लिया है। और आप अपनी स्किन के अकॉर्डिंग ले सकते हो। आपको ये ऑनलाइन भी मिल जाएगा, ऑफलाइन भी मिल जाएगा। मैंने ऑफलाइन परचेज किया था। फ्रेंड्स, मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप इसको ऑफलाइन ही लें अपने शेड के अकॉर्डिंग। जो इसका ब्लश है वो बहुत ज़्यादा मुझे अच्छा लगा है, पिगमेंटेड है और ये कम से कम 3 से 4 घंटे अच्छे से स्टे कर लेता है, इससे भी ज़्यादा स्टे कर लेता है अगर हम मेकअप फिक्सर का यूज़ करते हैं तो। अब मैं इसको आपको यूज़ करके दिखाऊंगी अपने चिक्स पे। आपको स्माइल करते हुए इसको अपने फेस पे लगाना है, अपने चिक्स पे। ये आपको एकदम नेचुरल देता है, ऐसा नहीं है, बिल्कुल नेचुरल दिखाता है आपके फेस को। ऐसा नहीं है कि ये आपको थोड़ा डार्क दिखाएगा या फिर लगेगा कि आपने कुछ लगाया नहीं, बिल्कुल बहुत लाइट वेट है ये, बहुत ज्यादा नेचुरल दिखाता है आपकी स्किन को। आपको स्माइल करते हुए अपने चिक्स एरिया पे लगा लेना है इसको। सी दिस, लग रहा है ना बिल्कुल नेचुरल, ऐसा लग ही नहीं रहा आपने कुछ लगाया है। सो फ्रेंड्स, मैं आपको वही प्रोडक्ट सजेस्ट करती हूँ जो कि मुझे पर्सनली अच्छे लगते हैं। मुझे पर्सनली प्रोडक्ट अच्छे नहीं लगते तो मैं आप लोगों को सजेस्ट नहीं करती। मेरी आप वीडियो देख सकते हो, कोई भी, मैं अपना ओनर्स रिव्यू देती हूँ। जो भी चीज़ मुझे पसंद आती है उसको ही मैं बोलती हूँ कि आप लो, कैरी करो, नहीं तो मैं नहीं सजेस्ट करती। अब मैं थोड़ा आपको हाइलाइटर दिखाऊंगी। ये थोड़ी मैट फिनिश में आता है, अगर आपकी स्किन बहुत ज्यादा ड्राई है तो आप इसको सिमर के साथ लगाइए। सी दिस, ये थोड़ी मैट फिनिश में आता है, अगर आपकी स्किन ऑयली है तो ये आपके लिए बेस्ट है, नॉर्मल है तो भी आपके लिए बेस्ट है। अगर आपकी स्किन थोड़ी सी ड्राई आउट है तो आप इसको हल्का से एक ड्रॉप सिरम के साथ भी लगा सकते हैं, बहुत ज्यादा अच्छा लगता है ये। इसका हाइलाइटर थोड़ा सा अभी नहीं दिख रहा है कैमरे में, बट अच्छा है इसका हाइलाइटर। अगर आप पार्टी में जाओगे और इसको लगाओगे तो बहुत ज्यादा अच्छा दिखेगा। सीधी सब नोज पे देख सकते हो। ये देखिए, लग रहा है ना एकदम नेचुरल, आप लग नहीं लग रहा ना कुछ आपने लगाया है। और कॉन्टोरिंग के लिए मैं इसी ब्रश की हेल्प से लगाऊंगी।
मैं वैसे ज्यादा कॉन्टोरिंग करती नहीं हूँ, कभी पार्टी में बहुत ज्यादा शादी वादी है तो ही मैं कॉन्टोरिंग करती हूँ। सी दिस फ्रेंड स्किन। सो फ्रेंड्स, ये बहुत लॉन्ग टाइम तक स्टे कर लेगा, जैसे मैंने बताया था आपको 3 से 4 आवर्स तक स्टे कर लेगा। अगर आप मेकअप फिक्सर का यूज करोगे तो ये उससे भी ज्यादा लॉन्ग टाइम निकाल देगा आपकी स्किन पे, और बहुत ज्यादा नेचुरल लुक देता है ये आपकी स्किन पे। मैं तो आपको सजेस्ट करूंगी कि आपको ये लेना चाहिए, और ट्रेवल फ्रेंडली आप इसको ट्रेवल में अच्छे से कैरी कर सकते हो, जैसे कि मैंने आपको फर्स्ट पॉइंट में ही बता दिया था। सो यही था मेरा ऑनेस्ट रिव्यू इस प्रोडक्ट के लिए। अगर आपको पसंद आई हो वीडियो या आपको थोड़ी भी हेल्पफुल रही हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। मिलते हैं नए टॉपिक में नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।